अ वेरी गुड इवनिंग, और ये है बरसात की शाम। हैदराबाद में रिमझिम सी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, और रिमझिम बारिश के साथ चाय का मज़ा कुछ और ही है। बहरहाल चाय और रिमझिम बारिश से एक बात याद आई कि 1971 में डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय ऋषिकेश मुखर्जी एंड सिप्पी साहब, एनसी सिप्पी साहब ने एक मूवी बनाई थी, और उस मूवी का नाम तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो एक मूवी बनाई थी और इस मूवी से रिलेटेड एक बहुत ही खास किस्सा जुड़ा हुआ है, और एक किस्सा ये है कि जैसे मौसमी चटर्जी को तो आप जानते ही हैं, बंगाल की बहुत ही उम्दा कलाकार है, तो मौसमी चटर्जी को ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म के लिए साइन किया था। अब ये कौन सी फिल्म है ये सस्पेंस इन द एंड में होगा, इसको डिस्कवर करेंगे। तो ऋषिकेश मुखर्जी, धर्मेंद्र जी और केशतो मुखर्जी, ये तीनों ही मौसमी चटर्जी के घर पे गए, और जो कि अंगूर में पहले काम कर चुकी थी संजीव कपूर के साथ, तो इनके घर पे ये लोग गए और इन्होंने रिक्वेस्ट किया मौसमी चटर्जी को कि धर्मेंद्र के अपोजिट में उनको कास्ट करने का। बहरहाल मौसमी चटर्जी बात मान गई और सभी खुश थे कि वो एक रिनाउड ऋषिकेश मुखर्जी के मूवी में काम करने वाले, जबकि ऋषिकेश मुखर्जी इससे पहले, जबकि आनंद और फिर मेरे ख्याल से शायद या गोलमाल, जो सबसे फेमस आज उनकी गोलमाल 1, 2, 3 जितने भी आपने देखे हैं वो ओरिजिनली ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। तो गोलमाल हो गया, देन वी हैव आनंद, देन ऐसी ही कुछ खास मूवीज़ जो हैं, या मिली, ये उनकी कुछ ऐसी उम्दा पिक्चरें हैं जहाँ पे बावर्ची राजेश खन्ना ने काम किया, तो ये कुछ उम्दा पिक्चरें हैं जहाँ पे आपको उनके बारे में या उनके क्लासिक सिनेमेटोग्राफी एज वेल एज क्लासिकल डायरेक्शन के बारे में आपको पता चलेगा। तो बहरहाल ऋषिकेश मुखर्जी, केशतो मुखर्जी और धर्मेंद्र जी, ये तीनों ही गए थे मौसमी चटर्जी के घर पे ताकि उनको कन्विंस कर सके ये मूवी के लिए, और वो मान भी गई। जब ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें रोल समझाया कि रोल ये है एक स्कूल गर्ल का, अब आई होप यू गेस्ट राइट व्हाट इज दैट मूवी नेम। सो मूवी का ये है कि एक स्कूल गर्ल का किरदार है जहाँ पे उनको एक स्कूल गर्ल का फ्रॉक पहनना है, एक छोटा सा फ्रॉक, एंड एट दैट टाइम मौसमी चटर्जी की शादी हो चुकी थी, उनके हस्बैंड और उनके इन लॉज ने ये कहा, यस उस समय 1971 में उनके इन लॉज ने ये कहा कि हमारी बहू ऐसा कोई काम नहीं करेगी पर्दे पे जहाँ पे उसको कम कपड़े पहनने हों। सो उनके हस्बैंड ने भी मना किया कि मेरी बीवी नहीं करेगी, जबकि मौसमी चटर्जी बहुत पहले बहुत कम एज में शायद मूवीज़ में आ चुकी थी, करीबन 12-13 साल के एज में ही मूवी कर रही थी, और उनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि वो नहीं करेगी किसी भी एक्टर के साथ जहाँ पे उसे कम कपड़े पहनना हो। तो फाइनली मौसमी चटर्जी को ये बात माननी पड़ी अपने हस्बैंड की और इन लॉज की, और उन्होंने ये मूवी छोड़ दी। ऋषिकेश मुखर्जी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्हें एक खिलखिलाती हुई नन्ही सी बच्ची जैसी लगने वाली एक एक्ट्रेस चाहिए थी। एंड आई होप नाउ यू गॉट टू नो हु इज़ दैट एक्ट्रेस। यस, इट्स नन अदर दैन जया बच्चन। यस, तो जया जी इस रोल में फिट हो गई, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री एज यू नो। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। तो ये उनकी मूवी का एक लैंडमार्क करियर साबित हुआ जहाँ पे जया बच्चन ने अपनी उम्दा कलाकारी दिखाई। मौसमी चटर्जी इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद खुद जया बच्चन के पास गई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने किरदार निभाया है एक बच्ची का, शायद मैं भी नहीं निभा पाती। या मौसमी चटर्जी के हस्बैंड को और उनके इन लॉज को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उनको नाराज़गी हुई इस चीज़ की, क्योंकि ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, शायद मौसमी चटर्जी का भी करियर एक तूफान जैसे, रॉकेट जैसा ऊपर आ जाता। बट बहरहाल उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, और उसके बाद वी कैन सी दैट मौसमी चटर्जी का जो करियर ग्राफ है धीरे धीरे नीचे आ गया। तो ये एक चीज़ है आपको शेयर करने की बात मैंने सोची इस शाम के वक्त में। आई होप यू लाइक दैट अ स्मॉल बिट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड विथ ऋषिकेश मुखर्जीज गुड्डी। या तो ये मूवी का नाम है
गुडी, प्लीज चेक आउट ऑन यूट्यूब गुडी बाय ऋषिकेश मुखर्जी एंड यू विल गेट टू नो ऑल द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ दिस मूवी टू. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ ग्रेट 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 रेनफॉल एंड रेनी सीजन एंड दिस इवनिंग. बाय.